थैंक गॉड रावण जो है ना वो आज की सदी में नहीं थे। मतलब आजकल ऐसे कई लोग होते हैं जो इनसे भी गई गुजरी हरकत करते हैं, लेकिन सोचिए ना सोशल मीडिया के जमाने में होते तो ये तो दिन पर दिन ट्रोल पे ट्रोल होते। वेल टॉकिंग अबाउट रोस्टिंग समबडी एंड ट्रोलिंग समबडी, चलिए आज करते हैं पोस्ट का रोस्ट मुग्धा चापेकर के साथ। हाय मैं हूँ मुग्धा चापेकर और आज हम मिलके करेंगे पोस्ट का रोस्ट विद SBS ओरिजिनल्स। यू मेड माय डे विद अ लॉट ऑफ क्यूट इमोजिकॉन्स, ओह थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट। अप्सरा हो तुम या कोई परी। आप मुंबई में रहकर भी इतनी देसी स्टाइल में कैसे रहती हो? मिंटी फ्रेश, ऑफ कोर्स इट इज मिंटी फ्रेश। ओके सो लेट्स सी, मेरे पास मेरा लेटेस्ट पोस्ट है ये वाला। मैं एक बाइक राइड पे गई थी जो मुझे बहुत पसंद है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो इस पे कुछ फन कमेंट्स आए हैं। सो ओके सो वन कमेंट इज यू मेड माय डे विद अ लॉट ऑफ क्यूट इमोजिकॉन्स, ओह थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू नो दैट। ओके सो कभी कभी करजत भी आया करो। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल या आई होप आई डू दैट। When are you going to expose Riya? Oh, अभी ना मैं bike ride पे हूँ तो ये बात बाद में ही कर लेते हैं। Oh, beautiful rider, thanks. दूसरा एक post है ये वाला, जहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सा कुर्ता पहना हुआ है जो by the way मेरा personal favorite भी है। So इस पे क्या comments आए हम पढ़ते हैं। ओके आज कोई इतना प्यारा लग रहा है, oh thank you। बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आई नो, क्या है ना मुझे फ़ोटो खींचनी थी और डे लाइट जा रही थी तो जहाँ मुझे लगा फ़ोटो खींच ली, सॉरी फॉर दैट, अगली बार ध्यान रखूँगी नज़र ना लगे किसी की। ओ थैंक यू फॉर सो मच लव। अप्सरा हो तुम या कोई परी। ये मुझे गाना भी अच्छा लगता है इसलिए मैंने गा दिया, थैंक यू। मिंटी फ्रेश, ऑफ कोर्स इट इज मिंटी फ्रेश। किसी ने लिखा है पैर लग रहे हो, या बट आई वुड गो विथ मिंट। कैन आई कीप यू हमेशा के लिए? ऑफ कोर्स मैं आप ही की हूँ हमेशा के लिए। यू स्टील माय हार्ट, आई एम गोइंग टू कंप्लेन टू पुलिस, ओ गॉड प्लीज डोंट, बट आई लव स्टीलिंग दैट एंड आई विल कीप डूइंग दैट। ABP News आपको रखे आगे। देखिए लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपके बैंक में पैसा आ रहा है ना तो उनको ना आपके CVV नंबर की जरूरत है ना ही किसी OTP की, और वो जो लिंक आते हैं ना क्लिक कीजिए आपकी बिजली कटने वाली है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, उनको ही ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो जमतारा वाला खेला हो जाएगा जैसे कि अन्नू कपूर के साथ। Thank you.
एक्ट्रेस अनु कपूर इस साल तीसरी बार ठगे गए हैं। इसके पहले फ्रांस में मदद के बहाने कुछ लोग अनु का बैग लेकर चंपत हो गए। के पास फ्रांस में सामान चढ़ा रहे थे, आए कुछ लोग हेल्प करने के लिए, मेरा प्राडा का बैग चोरी करके ले गए। अभी पेरिस पहुंच के मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखाऊंगा पेरिस गार्डियों पर। आप जरा ध्यान रखिएगा, कभी फ्रांस आए तो चोरों से सावधान रहे, बहुत होशियारी बरतें। उसके कुछ दिनों पहले अनु कपूर के एम्प्लॉय ने ही उन्हीं के ड्रॉर से कैश लिया और गायब हो गया। सिर्फ अनु कपूर ही नहीं बल्कि कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कई आम लोगों के पास भी केवाईसी अपडेट करने के नाम पर कई फर्जी कॉल्स और कई फर्जी मैसेजेस भी आए। भूल कर भी बिना सही जानकारी प्राप्त किए किसी पर भी ना तो क्लिक करें और ना ही किसी से अपनी कोई भी बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर करें, कहीं अगला जानदारा आपके साथ ना हो जाए। राज दीक्षित, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार लगता है कि रावण में और विराट में ना बहुत सिमिलैरिटी है। कान के कच्चे थे दोनों, शूर्पनखा ने जाके कान क्या भरे, जी हाँ, राम पर आक्रमण करने चल दिए। लेकिन हमारे विराट को समझना होगा, जी हाँ, इतिहास से ही सीखना होगा। अगर यूं ही कान के कच्चे रहे और अपनी सही पर विश्वास नहीं किया तो इनका भविष्य भी उज्जवल नहीं नजर आ रहा। विनायक अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, उसे अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। वो अब फुटबॉल भी खेलेगा और स्कूल की रेस में दौड़ेगा भी। ये चमत्कार हुआ है किसकी वजह से? अब आपके सामने खड़ी है ना डॉक्टर सई जोशी, ये चमत्कार उसी ने किया है। विराट को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विनायक को यूं अपने पैरों पर खड़ा देख वो इतना खुश हो गया कि कुछ पल के लिए वो भूल गया कि सई से अब वो नफरत करता है। सई के हाथ पकड़ लिए विराट ने और उसे दिल से अपनाने जा ही रहा था कि उसे कुछ याद आ गया। थैंक यू सो मच सई, थैंक यू सो मच। आज तो तुमने कर मारो, मैं एक और किक मारूं? नहीं विनायक बेटा, आज की एक विराट के दिमाग में सई को लेकर बस यही बात चल रही है कि कहीं उसका जगताप के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। जबकि उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस शहर में अपनी बेटी के साथ सई कैसे गुजारा कर रही होगी। अब सई भी खुददार है, उसने खुद से कुछ नहीं बताया और ना ही वो किसी की मदद लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर सब वो कर देगी तो राइटर क्या करेगा। राइटर को भी तो चाहिए ना हर एपिसोड में सई को बेचारी दिखाना है। इसीलिए अब जैसा चल रहा है वैसा ही होगा। विराट और सई
पास तो नहीं आएंगे, लेकिन एक दूसरे से हर दिन वो दूर जरूर होंगे और ये देखकर आप सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, फिलहाल टीआरपी की अभी यही डिमांड है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव लिबर्टी, जिससे जुड़ा है आज का सवाल, जिसके बारे में हम विस्तार से आगे बात करेंगे। वेल, क्रिएटिव लिबर्टी की बात हो रही है तो चलते हैं ऐसे ही एक क्रिएटिव सीरियल में, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी डिफाइज ऑल लॉजिक। जी हाँ, नागमणी में हो रही है शरबती बरसात। अब ये मत पूछिएगा, लाइक आई सेड भैया, ये लॉजिक के स्कोप से बहुत बाहर है, तो देखिए और मस्त रहिए। कहेंगे ना, उसे सुनकर आप सोच में तो पड़ जाएंगे या फिर जोर जोर से हंसते हंसते लोटपोट भी हो जाएंगे। क्योंकि आज कुछ बरसात ही ऐसी होने वाली है कि जिस बरसात का नाम है शरबती बरसात। जी हाँ, पारो और शंकर जिस बरसात में भीग रहे हैं ना, इस बरसात का नाम है शरबती बरसात। इस बरसात को पीने से इंसान जादू की दुनिया में चला जाता है। क्या हो सकता है ऐसी जहाँ अतरंगी चीजें हो, जहाँ शरबती बारिश हो, वहाँ शरबती चुड़ैल ही हो सकती है। तो या ये बारिश चुड़ैल ने करवाई है सो दैट शंकर को शंकर वापस से वो शरबत पी सके और उन पे वापस से वो जादू चढ़ सके। अब जाहिर सी बात है कि ये बरसात कोई आम इंसान तो करवा नहीं सकता है, तो वो देखिए ना, उधर खड़ी है मोहिनी चुड़ैल, जो अपने जादू से शरबती बरसात कर रही है। अब इससे पहले उसने जादू का पानी शंकर को पिलाया था, जिससे वो अपनी सुध-बुध खो बैठा था। अब जैसे जैसे जादू का असर कम हो रहा था ना, चुड़ैल को डर लग रहा था कि कहीं शंकर ने पारो को ये कह दिया कि उसे ये शादी नहीं करनी है, तब क्या होगा। शंकर सच बताने ही जा रहा था पारो को, इतने में हो गई शरबती बरसात, जिससे बरसात का पानी उसके मुंह में चला गया और फिर से उसने अपनी सुध-बुध खो दी। शंकर के ऊपर से जादू ख़त्म हो रहा होता है, वो सबको सच्चाई बताने जा रहे होते हैं, वो अपनी इच्छाएं बताने जा रहे होते हैं कि उनको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है शादी करने की, तो ये नहीं बता पाते क्योंकि म्यूज़िक बहुत लाउड होता है। इतने में पारो जाती है म्यूज़िक ऑफ़ करने के लिए मेन स्विच में, ताकि उसको पता, वो सब कुछ मेन स्विच ऑफ़ कर दे और म्यूज़िक बंद हो जाए, शंकर को कुछ बोलना क्या हो रहा है पता नहीं, पारो को नहीं पता, बट या ये ड्रामा है। तो बट बारिश आ जाती है, पारो को झटका लग जाता है। हालांकि पारो ने तो कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश हमेशा की तरह रंग नहीं लाई। अब शंकर और ज्योति की शादी होगी या नहीं, ये तो चुड़ैल के बस में है। वैसे पारो, आप भी तो एक नागिन हैं, तो आप भी तो जादू कर सकती हैं, तो जादू करिए ना, क्योंकि आपका भी जादू हम देखना चाहते हैं। और असली मजा तो तब आएगा ना, जब चुड़ैल और नागिन के बीच जंग होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा लोग ना हिस्ट्री से सीखते ही नहीं है, चाहे आप अंग्रेजी में जितना मर्जी कहते रहिए, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। अरे भैया रावण की कहानी से ही सीख लेते, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता बुरे लोगों के साथ। नहीं सीखा ना पिशाचिनी ने भी, तो बस कल जो ये हवा में उड़ती फिर रही थी कि इनके सर पर महापिशाचिनी का ताज आएगा, आज मुंह के बल गिरी है। पिशाचनी कल तक हवा में उड़ने का दावा कर रही थी, आज देखिए कैसे धड़ाक से गिरी वो जमीन पर। ऐसा ही होता है जब हवा में उड़ने वाले जमीन पर गिरते हैं ना, तो उनके होश उड़ ही जाते हैं। होश उड़ाने का पूरा श्रेय ही किसी और को नहीं बल्कि पवित्रा को जाता है, क्योंकि उसके साथ ही माता रानी का साथ जो है, पहले उसने अपने पति को बचाया, फिर उसके परिवार को, और अब वो पिशाचनी को खाक कर देगी। फाइनली मिस्टर इंडिया की घड़ी चली गई। मिस्टर इंडिया मिस्टर बरेली बन गए वापस। वापस मिस्टर इंडिया मिस्टर बरेली बन चुके हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली इन बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस है, प्लस रानी को उसका ताज नहीं मिला महापिशाचनी का, सो आई एम फीलिंग विक्टोरियस एंड हैप्पी। महापिशाचनी बनने का जो रानी का सपना था ना, उसे चकना चूर कर देगी। जरा देखिए जमीन पर गिरी हुई पिशाचनी कैसी लगती है। अब हमेशा की तरह रॉकी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो तो बस वही देखता है ना जो उसे रानी दिखाती है। रानी को वैसे भी कुछ ऐसे लेना देना था नहीं, उसे तो बस उसे राजपूतों का खून चाहिए। हाँ तो ऐसे नहीं कि उसे कभी प्यार था रॉकी से। हाँ तो पिशाचनी है जो 200 सालों से यही करते आ रही है। खैर अब ऐसा नहीं होगा, अब पवित्रा और रानी की जंग में पवित्रा की जीत हो रही है, रानी की हार। तो आप समझ गए होंगे ना अब तक कि रानी इतनी आसानी से पवित्रा और उसके प्यार को नहीं छोड़ेगी। घर में घुसी हुई ये पिशाचनी अब और भी शातिर हो जाएगी, क्योंकि इसे चोट लगी है जिसका असर उसके दिलो दिमाग सब पर हुआ है। से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए बुराई हमेशा ऐसी ही दिखती है, डरावनी सी, लेकिन सामने अच्छाई के एंड में बेचारी को हारना ही पड़ता है, क्योंकि यही जीवन की रीत है। तो बस कुछ ऐसा हो रहा है रज्जो में भी, क्योंकि रज्जो की शादी जिससे तय हुई है ना विक्की, वो भी गलत इंसान है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आ गए हैं अर्जुन, उनको बचा दे।
विक्की के इरादे रज्जो को लेकर ठीक नहीं है, ये बात अर्जुन कब से जानता था, लेकिन अब उसकी बात देखिए कैसे सच साबित हो गई। अरे सर जी, आप बस पैसा रेडी रखो, शादी कर रहे हैं रज्जो से, अब आपका सरदस खल्लास। एक लड़का जो शादी का वादा करता है और उसके बाद वो ऐसी हरकत करता है अपनी होने वाली के साथ, तो बहुत ही नीच है, बहुत ही गंदी है, बट इट्स फन। शादी करना तो विक्की का बहाना था, दरअसल वो रज्जो को बेचना चाहता था। रज्जो को बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाना चाहता था, कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया था। रज्जो को बंदी बनाकर उस जगह ले जाने के लिए जहां पर उसने रज्जो का सौदा किया था, अब अर्जुन के रहते ऐसा हो नहीं पाया। इन मौके पर आ गया अर्जुन अपनी रज्जो को बचाने के लिए। शादी में मैं इसको बचाने आया था। एक्चुअली विक्की के बारे में मुझे पता चलता है कि लड़कियों की तस्करी करता है और एक छटा हुआ बदमाश है, तो मैं रज्जो को बचाने आया था इसकी शादी में। मुझे पता चल जाता है, पुलिस मुझे बता देती है, इतला कर देती है कि विक्की बहुत नामी गिरामी बदमाश है और ऐसे ऐसे रज्जो को शादी का झांसा देकर विदेश में कहीं बेच देगा, तो मैं आता हूँ और रेस्क्यू करता हूँ काइंड ऑफ। इधर अर्जुन रज्जो को लेकर परेशान है, तो उधर उसकी होने वाली दुल्हनिया यानी कि उर्वशी, वो भी परेशान है। आईने के सामने वो बैठकर कोशिश कर रही है दुल्हन बनने की, लेकिन उसके मन में भी तो काफी सवाल चल रहे हैं कि शादी वाले दिन आखिर अर्जुन कहाँ चला गया। माँ, और कहाँ गया होगा वो? मेरा दिल कह रहा है कि वो उसी रज्जो के पीछे गया है, आज भी, शादी वाले दिन भी। माँ, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो लड़की आखिर चाहती क्या है, क्यों हमें चैन से नहीं जीने दे रही है वो, क्यों हमारे अर्जुन हमारे होने वाले पति के पीछे पड़ी है। रज्जो ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और इतने टाइम से साथ रही है रज्जो, तो बीइंग ए गुड फ्रेंड मैं उसकी हेल्प करने आया। नहीं, पर वैसे ये भी बहुत सीधा नहीं है, ये भी अपनी वाली की किस्मत खराब ही कर रहा है, उसका पता नहीं क्या होगा। फिर वो दुल्हन बनेगी या नहीं, अर्जुन की शादी किससे होगी, ये भी एक सवाल है। अब सारे सवालों का जवाब तो आपको एपिसोड देखकर ही मिलेगा, क्योंकि ये शादी भी महा ट्विस्ट वाली जो है। मुंबई से प्रिया धवड़े, कैमरामैन प्रकाश पाटिल और इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, हमारी सावी अपनी सवारी लेकर है तैयार जीवन के एक नए पड़ाव में कदम रखने के लिए, लेकिन है बड़ी सैड। वो क्या है ना कि शादी तो होनी थी इनकी बहन की, लेकिन हो इनकी रही है। जाहिर सी बात है, जिस शादी के लिए आप तैयार नहीं, उस शादी में सुख का आभास कैसे होगा। की सवारी केवल यही तक थी, अब उसकी आगे की सवारी नित्यम के घर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वो दुल्हन बन रही है ना अब नित्यम की। ना चाहते हुए भी उसे आज 16 श्रृंगार करना पड़ रहा है नित्यम के लिए। जिस लाल जोड़े में उसकी बहन सोनम सजने वाली थी, आज वही लाल जोड़ा वो पहन रही है। अब कहने को तो ये सब कुंडली का खेल है, ऐसा सीरियल में दिखाया जा रहा है।
लेकिन आप और हम दोनों ही जानते हैं कि ये कुंडली मुंडली नहीं बल्कि राइटर की लिखावट का दोष है। जो हीरो और हीरोइन को जोड़ना चाहता था तो उसने कुंडली को कुछ ऐसा घुमाया कि भाई इनका नाता जुड़ गया। हिस्सा भी उदास है क्योंकि वो नित्यम से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती है। अब सावी इस सब कुछ तय है तो आपके इन आंसुओं का कोई मोल नहीं है। आप दुल्हन बनी है ना तो अपने पिया के लिए अब ये सवारी तो पिया के घर ही जाएगी और उसके बाद एक नई सवारी भी तो शुरू होगी आपकी और नित्यम की, जिसमें लड़ाई झगड़ा और नफरत उसके बाद प्यार भी होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।